हेलो स्टूडेंट, मेहता पीजी कॉलेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आज मैं एमएससी प्रीवियस का फिजिक्स का वन ऑफ द मोस्ट पेपर स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जिसका नाम है क्वांटम मैकेनिक्स। आप लोगों को पता है क्वांटम मैकेनिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि फिजिकल टूल के फॉर्म में पढ़ा जाता है। आपको ये समझना ज़रूरी है कि हम जो भी कोई माइक्रो लेवल्स पे पार्टिकल के स्टडी करने जा रहे हैं, तो वहाँ पर हम किस तरह की मैकेनिक्स का यूज़ करें, ये माइंड में एक बार क्वेश्चंस आता है। और उस क्वेश्चन को मैं एक बार क्लियर करना चाहता हूँ, बेसिक चीज़ों को, कि जैसे आपने 11th 12th में आपने स्टडी किया मैकेनिक्स की, आपने 11th में पढ़ा था मैकेनिक्स, ठीक है। मैकेनिक्स में आपने देखा था सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल जो है मैकेनिक्स में, वो न्यूटन्स इक्वेशंस का है। न्यूटन्स इक्वेशंस जिसमें आप पढ़ते हैं एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी इक्वल टू यू प्लस ए टी, और वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस टू ए एस प्लस टू ए एस, ठीक है। तो ये तीन इक्वेशन जो है न्यूटन्स इक्वेशन बोला जाता है, जिसको हम लोग अप्लाई करके मैकेनिक्स की स्टडी करते हैं। मैकेनिक्स मतलब कि हम लोग कोई पार्टिकल है उसकी स्टेट को समझना चाहते हैं, वो डायनेमिकल स्टेट में है या स्टेटिक स्टेट में है, उसकी बिहेवियर कैसा है, उस पर फोर्स कितना लग रहा है, उस पर वेलोसिटी कितनी है, वो एक्सेलरेट कितने से कर रहा है। ये अगर हमें किसी पार्टिकल का ऑब्जर्व करना है, ऑब्जर्वेशन करना है, उसकी स्टडी करनी है, तो हम लोग इस इक्वेशन को स्टडी करते हैं, अप्लाई करते हैं और समझते हैं। सेकेंड अब चीज़ आती है कि जैसे आप ये डेली लाइफ में यूज होने वाली चीज़ों पे तो ये अप्लाई कर लेते हैं। जैसे फुटबॉल खेलने जा रहे हैं आप, कार ड्राइव करने जा रहे हैं आप, क्या नाम है, स्विमिंग करने जा रहे हैं, तो वहाँ पर इन सारी चीज़ों को आप, क्या नाम है, अप्लाई कर लेते हैं। जैसे आपकी क्या पार्टिकल का थोड़ा सा स्पीड बढ़ता है, पार्टिकल का स्पीड बढ़ने से क्या होता है कि पार्टिकल में, पार्टिकल नेचर तो डोमिनेटिंग है लेकिन वाइब्रेशन इंक्लूड होने लगता है। जस्ट हम लोग बोले वाइब्रेशन इंक्लूड होने लगता है, तो फिर हम लोग ये न्यूटन्स इक्वेशन फेल होने लगता है। हाई थोड़ा सा स्पीड बढ़ा, आपका न्यूटन्स इक्वेशन फेल होने लगा, फिर वहाँ पर हम लोग स्टडी करते हैं, वो होता है क्लासिकल मैकेनिक्स। ठीक है, तो क्लासिकल मैकेनिक्स में जो हम लोग स्टडी करते हैं वो मेन हमारा होता है लैग्रांजियन एंड हैमिल्टनियन इक्वेशन, लैग्रांजियन एंड हैमिल्टनियन इक्वेशन, ठीक है। जिस तरह अपना न्यूटन इक्वेशन वर्क करता है मैकेनिक्स में, वैसे ही क्लासिकल मैकेनिक्स में लैग्रांजियन एंड हैमिल्टनियन इक्वेशंस वर्क करते हैं, और इन इक्वेशन से हम लोग पार्टिकल के बिहेवियर की स्टडी करते हैं। फिर हमारा क्या होता है कि पार्टिकल में और थोड़ा सा अगर बात करें कि स्पीड बढ़ने लगा और पार्टिकल माइक्रो लेवल पे जाने लगा और वहाँ पर, क्या नाम है, वेव नेचर डोमिनेट करने लगा, पार्टिकल नेचर एसोसिएट हो गया, तो हम लोग बोलते हैं कि ये जो स्टडी होगी वो क्वांटम मैकेनिक्स के थ्रू स्टडी होगी, क्वांटम मैकेनिक्स। तो हमें जैसे इलेक्ट्रॉन हुआ, प्रोटॉन हुआ, न्यूट्रॉन हुआ, इससे भी छोटे पार्टिकल्स हैं, इनकी स्टडी करनी है, इनकी वेलोसिटी, इनका, क्या नाम है, फिजिकल बिहेवियर की स्टडी करनी है, तो फिर हम लोग क्वांटम मैकेनिक्स यूज़ करते हैं। इसमें जो टूल यूज़ करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं श्रोडिंगर इक्वेशन, श्रोडिंगर इक्वेशन, ठीक है। तो जिस तरह जो रोल हमारा न्यूटन इक्वेशन, लैग्रांजियन हैमिल्टनियन इक्वेशन का मैकेनिक्स में होता है, वही हमारा रोल श्रोडिंगर इक्वेशन का क्वांटम मैकेनिक्स में होता है। इसके थ्रू हम लोग पार्टिकल की जो फिजिकल बिहेवियर है उसकी स्टडी करते हैं।
अब हम लोग बिल्कुल ही पार्टिकल की स्पीड बहुत ज़्यादा हाई हो जाए और ये बोलें कि पार्टिकल लाइट की स्पीड को अचीव करने लगे, फिर वहाँ पर हमारा आता है एडवांस क्वांटम मैकेनिक्स, एडवांस क्वांटम मैकेनिक्स और फील्ड थ्योरी, QFT बोलते हैं इसको, क्वांटम फील्ड थ्योरी। ठीक है, क्लासिकल फील्ड थ्योरी भी होता है, हम लोग CFT भी पढ़ते हैं। यहाँ पर यहाँ से दो पार्ट में हो जाता है CFT एंड QFT। तो CFT आपका क्लासिकल फील्ड थ्योरी है, वो क्या नाम है कि जैसे जो क्लासिकल पार्टिकल्स हैं उनमें क्लासिकल उनको एज ए मतलब हम लोग एक क्लासिकल फील्ड की तरह ट्रीट करने लगे हैं, तो वहाँ क्लासिकल फील्ड थ्योरी की बात करने लगते हैं, फिर क्वांटम फील्ड थ्योरी आ जाती है। तो फील्ड थ्योरी क्या है कि आप नंबर ऑफ पार्टिकल बहुत ज़्यादा हैं और उनकी स्टडी करनी है, तो हम लोग उसको एज ए ऑपरेटर मान लेते हैं, ऑपरेटर मान के फिर स्टडी करते हैं, तो हम लोग ये फील्ड थ्योरी की बात करना है। खैर फील्ड थ्योरी तो MSc फाइनल में पढ़ना है, तो हम लोग वहाँ पे हम लोग MSc प्रीवियस की आज बात करने जा रहे हैं, तो हम लोगों का मेन जो फोकस होगा वो क्वांटम मैकेनिक्स पे होगा। तो आज हम लोग एक इंट्रो क्लास की तरह ही पढ़ेंगे कि आप जो क्वांटम मैकेनिक्स में है बेसिक चीज़ें क्या है और कहाँ पे क्या पढ़ना चाहिए, मैं उस पे ज़्यादा फोकस रहूँगा। फिर सिस्टमेटिक हम लोग स्टार्ट करेंगे सेकेंड लेक्चर में। अपना फर्स्ट लेक्चर मेनली फोकस होगा कि क्वांटम मैकेनिक्स कैसे पढ़ना चाहिए, क्यों पढ़ना चाहिए और कहाँ पे अप्लाई करना चाहिए, इन तीन पॉइंट पे आज मैं ज़्यादा फोकस रहूँगा। ठीक है, तो अब मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ आपको कि MSc प्रीवियस में चार पेपर मेनली होते हैं और चार पेपर जो होते हैं ये 400 के होते हैं और प्रैक्टिकल 200 का होता है। तो आपके टोटल जो मार्क्स होते हैं MSc प्रीवियस फिजिक्स, इसमें मार्क्स जो होते हैं टोटल ये होते हैं 400 प्लस 200 600 होते हैं टोटल मार्क्स। ठीक है, पेपर जो होते हैं थ्योरी पेपर आपके होते हैं, फर्स्ट पेपर आपका क्लासिकल मैकेनिक्स, सेकंड पेपर होता है क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, फर्स्ट पेपर में क्लासिकल मैकेनिक्स के साथ साथ मैथमेटिकल फिजिक्स भी होता है जिसको हम लोग MP लिख देते हैं, मैथमेटिकल फिजिक्स। क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनेमिक्स होता है, थर्ड पेपर आपका होता है क्वांटम मैकेनिक्स QM एंड एटॉमिक एंड मोलेकुलर फिजिक्स, फोर्थ पेपर में आपका होता है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड न्यूमेरिकल एनालिसिस, इसमें एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों होते हैं, एनालॉग एंड डिजिटल। ठीक है, ये दोनों इलेक्ट्रॉनिक्स दो पार्ट में इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइड होते हैं, एनालॉग और डिजिटल, इन दोनों की स्टडी की जाती है। उसके बाद न्यूमेरिकल एनालिसिस का एक पार्ट होता है, न्यूमेरिकल एनालिसिस में ही आपको थोड़ा सा कंप्यूटर लैंग्वेज भी पढ़ना पड़ता है, जिसमें आप लोग फोरट्रान C++ का इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ते हैं। तो इस तरह से हम लोगों को MSc में बहुत कुछ पढ़ना है, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट पेपर जो आपका है वो है क्वांटम मैकेनिक्स, ये थर्ड पेपर जो है आपका सबसे इम्पॉर्टेंट पेपर है। अभी इम्पॉर्टेंट क्यों है, इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि अगर आपको क्वांटम मैकेनिक्स आती है तो आप दुनिया के कोई भी एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर सकते हैं फिजिक्स से रिलेटेड, क्योंकि ये एक टूल है और इसमें सभी फिजिक्स जो है ना वो अप्लाई किए जा सकते हैं।
अब इस ये टूल अपना एक श्रोडिंगर इक्वेशन के बेस पे डिफाइन किया गया है। अब इसमें है कि जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि जैसे हमें इलेक्ट्रॉन की स्टडी करनी है, तो आप इलेक्ट्रॉन की स्टडी कैसे करोगे? आपने तो देखा नहीं है इलेक्ट्रॉन, और आपके पास क्या नाम है कि ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिससे कि आप देख सकें इलेक्ट्रॉन को, ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है। अगर हम लोग न्यूटनियन मैकेनिक्स की बात करें, तो न्यूटनियन मैकेनिक्स में सबसे अच्छी बात यह है कि वो डेली लाइफ में यूज होने वाली चीज़ों के लिए अप्लाई करते हैं। तो जैसे फुटबॉल खेलने जा रहे हैं आप कार ड्राइव करने जा रहे हैं, आप बाइक चला रहे हैं, तो वहाँ पर आप क्या नाम है कि ये फील कर सकते हैं और देख सकते हैं कि हाँ यहाँ पर न्यूटनियन मैकेनिक्स लग रहा है, इसकी स्पीड इतनी है, इसके क्या नाम है फोर्स इतने लग रहे हैं, एक्सेलरेट इतने से कर रहा है, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स, अगर हमें इलेक्ट्रॉन की बात करनी है, तो इलेक्ट्रॉन को हमें अगर देखना हो तो उसके लिए हमें क्या होता है कि एक फोटोन भेजना पड़ता है। अगर मान लीजिए कि आप ये एटम है एक जिसके न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज है, और इलेक्ट्रॉन आपका इस सेल के जो सेल है इसके चारों तरफ मूव कर रहा है, तो हमें इस इलेक्ट्रॉन को देखना है कि इलेक्ट्रॉन का पोजिशन क्या है। तो अपन क्या करेंगे देखने के लिए, क्या कोई एनर्जी से इंट्रैक्शन, क्योंकि ये तो देखा नहीं जा सकता, इसकी एनर्जी को हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो मान लो आपने एक एनर्जी भेजा एच न्यू इक्वल टू एच न्यू, जिसको हम लोग फोटोन बोलते हैं। आपने एक फोटोन भेजा ये चेक करने के लिए कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है कि नहीं। तो कैसे आपको पता चलेगा? ये फोटोन जाएगा तो या तो लॉस हो जाएगा तो फिर आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगा, या इंट्रैक्शन करके बाहर आएगा, फिर बाहर आएगा तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल सकता है कि हाँ ये एक इलेक्ट्रॉन है। लेकिन सबसे बड़ी ये चीज़ है कि जैसे कि हम लोग अगर मान लो कि यहाँ पे टॉर्च जलाते हैं, मान लो फोटोन के लिए टॉर्च जलाते हैं, तो पार्टिकल को इलेक्ट्रॉन को फोटोन मिलेगा, और वो फोटोन क्या होगा कि इसको एनर्जी दे देगा, और एनर्जी देगा तो क्या होगा, ये अपने प्लेस से डिस्प्लेस हो जाएगा, इसमें डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। तो हम लोग क्या नाम है कि इसको लोकलाइज नहीं कर पाएंगे, यानी कि अगर हम लोग पोजीशन को फाइंड करने की कोशिश करते हैं तो इसका मोमेंटम चेंज हो जाएगा, मोमेंटम अगर कम करते हैं तो क्या होगा कि पोजीशन स्थिर हो जाएगा। तो दोनों क्या नाम है कि चीज़ें पॉसिबल नहीं है साइमल्टेनियस। तो इसी को हम लोग क्या नाम है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से समझते हैं, कि अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या कहता है, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इक्वल टू एच कट बाई टू, ठीक है। तो इस तरह के पार्टिकल में जो हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं या समझने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ पे अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल यूज करना पड़ता है, अनसर्टेनिटी। क्वांटम मैकेनिक्स में अनसर्टेनिटी का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि हम लोग अगर किसी पार्टिकल का पोजीशन अगर मेजर करने की कोशिश करेंगे तो वो क्या नाम है मोमेंटम आ जाएगा उस पर, मोमेंटम को आप कम करेंगे तो उसका पोजीशन मिलेगा। तो मोमेंटम अगर मान लो कि आपने जीरो कर दिया तो पोजीशन अनडिफाइंड हो जाएगा। फिर आप पोजीशन मान लो कि टॉर्च आपने ऑफ कर दिया तो टॉर्च और तो फिर तो पार्टिकल दिखेगा ही नहीं, तो फिर आप कैसे बोल सकते हो कि पार्टिकल ये पोजीशन है। तो हम लोग ये बोलते हैं कि ये लोकलाइज किया जाता है, और हम लोग अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेते हैं, एक्चुअल में एवरेज वैल्यू बोलो या अप्रोक्सीमेट वैल्यू बोलो, जिसको स्टैंडर्ड डिविएशन निकाला जाता है, डेल्टा एक्स और इसको स्टैंडर्ड डिविएशन बोलते हैं, इसका भी स्टैंडर्ड डिविएशन निकाला जाता है। फिर ये देखा जाता है कि एच कट बाई टू के बराबर इसकी वैल्यू आती है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर अनसर्टेनिटी का इंपॉर्टेंट रोल देखते हैं, कि क्वांटम मैकेनिक्स में हम लोग कोई भी चीज़ क्या है कि एग्जैक्ट नहीं फाइंड कर सकते, हम लोग उसके एवरेज वैल्यू पे बात कर सकते हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी पे बात कर सकते हैं, कहीं भी पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी हो सकती है, उसके डिस्टेंस की एवरेज वैल्यू हो सकती है, क्योंकि वो एक जगह लोकलाइज नहीं हो सकता है ऐसे पार्टिकल्स। तो हम लोग आगे बात करेंगे, इसको प्रूफ भी करेंगे कि डेल्टा एक्स डेल्टा पी इक्वल टू एच कट बाई टू कहाँ से आया और कैसे प्रूफ होता है। तो ये तो अभी आगे हम लोग जाएंगे तो प्रूफ करेंगे। दूसरी बात ये आती है कि हम लोग जो बात करते हैं क्वांटम मैकेनिक्स में, हम लोग बात करते हैं स्टेट की।
हम लोग क्वांटम मैकेनिक्स में बात करते हैं स्टेट की, कि स्टेट क्या होता है, ठीक है। तो क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स में जो मैथमेटिकल टर्म है वो विदाउट स्टेट आप लोग डिफाइन नहीं कर सकते हैं, तो स्टेट की बात करते हैं। कि जैसे अपन कोई बात करें कि अपने एनर्जी स्टेट की बात करें, कि ये मान लो कोई हाइड्रोजन एटम्स है, उसका एनर्जी E1 है, E2 है, E3 है, E4 है, ठीक है। तो हम लोग क्या नाम है इसके स्टेट को डिफाइन करते हैं। एक स्टेट होता है किसी भी क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम के लिए, वो उसके क्या नाम है पार्टिकल के लोकलाइजेशन को डिफाइन करता है। तो हम लोग स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं क्वांटम मैकेनिक्स में साई से, इसी को बोलते हैं स्टेट, ठीक है। अगर साई एक ऐसी क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी है, जिससे हम लोग क्या नाम है कि हम लोग उस सिस्टम का सारे इंफॉर्मेशन हम लोग निकाल सकते हैं। साई का वैसे कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होता, लेकिन साई के बिना हम लोग कोई भी क्वांटम मैकेनिक्स में इंफॉर्मेशन नहीं निकाल सकते हैं। तो साई एक क्वांटम मैकेनिकल स्टेट है, फिजिकल स्टेट जिसको बोलते हैं अपन, और इस स्टेट से ही हम लोग, अब इसमें भी एक क्वांटम मैकेनिकली एक्सेप्टेबल कब होगा स्टेट, ये हम लोगों को ये देखना पड़ता है कि साई क्वांटम मैकेनिकली एक्सेप्टेबल होने कंडीशन। क्वांटम मैकेनिकली एक्सेप्टेबल होने की कंडीशन होता है तभी हम लोग क्या नाम है कि इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं और फिर आगे फर्दर हम लोग इस पे वर्क कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे फर्स्ट पॉइंट जो होना चाहिए वो होना चाहिए कि साई को कंटिन्यूअस होना चाहिए, ठीक है। सेकेंड पॉइंट डिफरेंशिएबल होना चाहिए। थर्ड पॉइंट स्क्वायर इंटीग्रेबल होना चाहिए। फोर्थ पॉइंट बाउंड्री पे वैनिस होना चाहिए, वैनिसेस एट बाउंड्री, ठीक है। तो ये चार जो है मेन अपना पॉइंट्स है जो हम लोग चेक करते हैं कि साई आपका जो है वो वेव फंक्शन है वो एक्सेप्टेबल क्वांटम मैकेनिकली एक्सेप्टेबल है कि नहीं। तो पहले उसकी चेक करते हैं कि वो कंटिन्यूअस है कि नहीं। कंटिन्यूअस का मतलब ये हुआ कि अगर मान लो कि इस तरह से अगर है ये तो कंटिन्यूअस बोलेंगे, अगर वो ऐसे है या मान लो ऐसे है तो डिसकंटिन्यूअस बोलेंगे, ठीक है। तो इस तरह के लिए साई डिफाइन नहीं होगा, ये वेव फंक्शन डिफाइन नहीं होगा, तो ठीक बोलेंगे कि कंटिन्यूअस वेव फंक्शन नहीं है, ये कंटिन्यूअस वेव फंक्शन है। डिफरेंशिएबल वही होगा जो कंटिन्यूअस होगा, क्योंकि देखो ये कांस्टेंट टर्म टाइप का आ जाएगा तो ये तो क्या नाम है जीरो हो जाएगा, फिर तो क्या नाम है वो डिफरेंशिएबल होगा नहीं। स्क्वायर इंटीग्रेबल होना चाहिए ऑलवेज। स्क्वायर इंटीग्रल मतलब हम लोग अगर इंटीग्रल इसका लें तो साई डी एक्स इक्वल टू कुछ भी, मतलब एग्जैक्ट वैल्यू कुछ आना चाहिए, मान लो कॉन्स्टेंट कोई वैल्यू आना चाहिए। अगर वो नहीं आ रहा है यानी कि ये स्क्वायर इंटीग्रेबल नहीं है। वेनिसेज एज बाउंड्री मतलब अगर मान लो कोई भी अगर वेव फंक्शन है इस तरह से तो इसको बाउंड्री पे वेनिस होना चाहिए, यहाँ पे वैल्यू जीरो होनी चाहिए तब बोलेंगे कि ये आपका एक्सेप्टेबल है, नहीं तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है।
ठीक है, तो ये चीज़ें नोट डाउन कर लीजिए। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, थोड़ी सी हम लोग ये बात करते हैं। अभी हम आज तो क्या नाम है आपको साई के बारे में बता रहे हैं कैसे एक्सेप्टेबल होगा, उसके लिए एक एग्जांपल लेके अभी पहले देख लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको खुद करना होगा, जैसे कि आप स्विमिंग सीखने जाते हैं तो स्विमिंग देख करके आप सीख नहीं सकते, स्विमिंग करने के लिए आपको खुद ही स्विमिंग पूल में जाना पड़ेगा और सीखना पड़ेगा, तब जाके आप स्विमिंग कर सकते। वैसे क्वांटम मैकेनिक्स है, आप देख करके कुछ नहीं सीख सकते, आपको खुद करना पड़ेगा। आप जैसे मेरे पास चार पॉइंट्स है तो आप कोई एग्जाम्पल अपन ले लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल अपन ले लिए, जैसे अपन एक एग्जाम्पल लेते हैं, साई इक्वल टू ई टू द पावर माइनस एक्स का ले लेते हैं और इसको चेक करते हैं कि ये क्वांटम मैकेनिकली एक्सेप्टेबल है कि नहीं। तो साई अगर लेते हैं, इसको हम लोग एक बार ऐसे ले लेते हैं, इसका ग्राफ अगर ड्रॉ करेंगे तो कैसा आएगा, ये इस तरह से आएगा। ठीक है, तो देखेंगे कि जीरो पॉइंट है जो ओरिजिन है वहां पर इसकी वैल्यू वन आएगी और जैसे इन्फिनिटी की तरफ जाएंगे वैसे वैल्यू आपका क्या नाम है कि जीरो आ जाएगा। तो हम लोग अगर साई की वैल्यू ई टू द पावर माइनस एक्स है तो अगर इसे हम लोकलाइज करने की कोशिश करें, यानी कि क्वांटम मैकेनिकली ट्राई करें कि ये कंटिन्यूस है, डिफरेंशिएबल है कि नहीं, स्क्वायर इंटीग्रेबल है कि नहीं, वैनिस एट बाउंड्री है कि नहीं, तो देखा जाएगा कि ये कंटिन्यूस है, डिफरेंशिएबल भी है, स्क्वायर इंटीग्रल भी इसका निकाल सकते हैं, लेकिन वैनिस नहीं होगा बाउंड्री पे। यहाँ पर देखो वैनिस हो रहा है लेकिन इस बाउंड्री पे वैनिस नहीं हो रहा है, तो ये स्क्वायर इंटीग्रेबल नहीं होगा। तो हम लोग बोलेंगे कि ये क्वांटम मैकेनिकली एक्सेप्टेबल नहीं है वेव फंक्शन। तो फिर हम लोग एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, साई इक्वल टू ए साइन एक्स, लेकिन इसका भी हमें अगर ए साइन एक्स लेते हैं और माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी अगर इसका रखते हैं तो ये भी स्क्वायर इंटीग्रेबल नहीं होगा। ठीक है, तो हमें इसका लेना पड़ेगा माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू। तो इसका आप ग्राफ खींच करके, आप ग्राफ ड्रॉ करके अब चेक कर सकते हैं, हम ग्राफ से ही चेक कर लेंगे ये। ठीक है, अब पाई पे तो इस पाई बाई टू पे तो मैक्सिमम है इसका ये वैल्यू, तो ये वैनिस नहीं हो रहा है, यहां भी वैनिस नहीं हो रहा है। लेकिन अगर हम लोग जीरो टू पाई ले लें, जीरो टू पाई, तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, वैनिस हो रहा है। तो जीरो टू पाई के बीच में जो वे फंक्शन है वो आपका एक्सेप्टेबल है, अदरवाइज ये एक्सेप्टेबल नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग बहुत सारे प्रॉब्लम्स लेकर के चेक कर सकते हैं कि कहाँ पर कोई वेव फंक्शन एक्सेप्टेबल है, कहाँ पर वेव फंक्शन एक्सेप्टेबल नहीं है। ठीक है, अब आगे हम लोग एक चीज़ और एक दो चीज़ें हैं जो मैं बात करूँगा आप लोगों से, क्योंकि आप लोग बीएससी में क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ के आए हुए हैं। तो फर्स्ट चीज़ मैं ये बात करूँगा कि जो क्वांटम मैकेनिक्स है उसमें हम लोग जो स्टेट्स डिफाइन करते हैं वो कैसे डिफाइन करते हैं। ठीक है, स्टेट क्या होता है, एम्पलीट्यूड क्या होता है और इसमें मैथमेटिक्स कैसे यूज करते हैं। तो
अपन बात करते हैं कि क्वांटम मैकेनिक्स में डिराक का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट है। डिराक एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या नाम है कि क्वांटम मैकेनिकली जो प्रॉब्लम्स होते हैं उनके लिए स्पेशल मैथमेटिक्स डिजाइन किया था। तो क्वांटम मैकेनिक्स में कुछ स्पेशल मैथमेटिक्स होते हैं जिनको मैं आज ही बता देता हूँ, क्योंकि अपन अभी यूज़ करेंगे स्टेट और इसके लिए तो वो सारी चीज़ें आएंगी। तो इन्होंने क्या बोला था कि क्वांटम मैकेनिक्स में स्टेट को रिप्रेजेंट करने के लिए, जैसे हम लोग स्टेट बोलते हैं, इनिशियल स्टेट बोले और फाइनल स्टेट बोले, ठीक है, तो इनिशियल स्टेट को मान लो आई लिखते हैं, इसको एफ लिखते हैं, तो इसको हम लोग नहीं पढ़ सकते कि ये इनिशियल है और फाइनल है, इसको ऐसे नहीं रिप्रेजेंट कर सकते। डिराक ने यह चीज़ को डिफाइन किया था, इन्होंने बोला था कि जो स्टेट होते हैं वो ब्रैकेट की तरह यूज़ कर सकते हैं, जैसे अपन ब्रैकेट यूज़ करते हैं, इसमें आपने एक लाइन खींच दिया, तो इसको इन्होंने बोल दिया कि ये है इनिशियल स्टेट के लिए ब्रा और ये केट, तो इसको हम लोग ब्रैकेट बोलते हैं, ठीक है। तो ब्रैकेट को यूज़ करके हम लोग आगे की चीज़ें डिफाइन करते हैं और एक मैथमेटिक्स होती है केट और ब्रा का, जिससे हम लोग आगे चल के ये करते हैं। ठीक है, ब्रैकेट में जैसे इसको लिखते हैं ना ब्रैकेट, तो ये आपका केट हो गया और ये ब्रा हो गया, तो ब्रैकेट हो गया, तो हम लोग इसको इसको बोलेंगे ब्रा, इसको बोलेंगे केट। तो इनिशियल स्टेट जो होता है, इनिशियल स्टेट, इसको अपन आई से रिप्रेजेंट करेंगे, फाइनल स्टेट जो है इसको एफ से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। अब ये बोलता जाता है ना कि जो पार्टिकल है ड्वेलिटी में होता है, ड्वेल नेचर रखता है, तो अपन जो मान लो कि इसका अपन ये आपका ब्रा है और इसका जो ड्वेल नेचर है, तो इसको हम लोग केट के फॉर्म में यूज़ करेंगे, तो इसका आई इस तरह से लिखेंगे, तो इसे बोलेंगे ड्वेलिटी ऑफ पार्टिकल बोलते हैं इसको। ये डिराक ने समझाया था कि कोई भी पार्टिकल है तो उसको हम लोग ब्रा और केट के नोटेशन में यूज़ कर सकते हैं, और ये ड्वालिटी ऑफ पार्टिकल्स का मतलब इसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस वही होगा जो केट का है, वही ब्रा का भी होगा, लेकिन ये इसका कंपोजिट होगा, ये उसके कंपोजिट फॉर्म में होगा, जिसको हम लोग केट को ब्रा में और ब्रा को केट में लिख सकते हैं, जिस तरह से अपन लिखते हैं ना कि एक्स प्लस आई वाई, तो इसका कंपोजिट फॉर्म लिखोगे तो क्या होगा, एक्स माइनस आई वाई, उसी तरह से ये है कि अगर अपने पास कोई है ए प्लस आई बी, इसका अगर हम लोग ब्रा को केट में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा, केट को ब्रा में कर रहे हो तो ये हो जाएगा ए माइनस आई बी, ठीक है। ये लिखने के तरीके होते हैं, आपको इस तरह से लिखना होगा इन सब चीज़ों को। अब इसके स्पेशल मैथमेटिक्स ये होते हैं, इसका मतलब ये होता है कि जैसे अपन ये लिख रहे हैं ना, तो अब इसमें हम लोग एक जो इनर प्रोडक्ट इसके निकालते हैं, एक टर्म आता है इनर प्रोडक्ट, ठीक है, इसको इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है इनर प्रोडक्ट को। इनर प्रोडक्ट बोलने का मतलब कि ये इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे, इंटीग्रेशन जिस तरह से, तो इसी को स्पेशल मैथमेटिक्स बोला जाता है क्वांटम मैकेनिक्स। डिराक ने ये सब चीज़ों को रिप्रेजेंट किया था, तो अपन इनर प्रोडक्ट के फॉर्म में इसको निकाल सकते हैं। तो इनर प्रोडक्ट के फॉर्म मान लो कि अगर आई एंड एफ, इसकी वैल्यू क्या हो सकती है कि वन आ सकती है, आई एंड एफ इसकी वैल्यू जीरो आ सकती है। तो अगर वन आ गया तो बोलते हैं कि ऑर्थोनॉर्मल है, बोलेंगे कि ऑर्थोनॉर्मल, और इसकी है तो ऑर्थोगोनल बोलते हैं, ठीक है। ऑर्थोगोनल और ऑर्थोनॉर्मल का मतलब है कि ये जो वेव फंक्शन है इसको बोलते हैं
कि ये वेव फंक्शन नॉर्मलाइज्ड है, नॉर्मलाइज्ड है और वेव फंक्शन नॉर्मलाइज्ड नहीं है, नॉर्मलाइज्ड नहीं है। जीरो आ जाएगा तो बोलें कि ये नॉर्मलाइज्ड नहीं है, अगर वन आ गया तो बोलते हैं कि वेव फंक्शन नॉर्मलाइज है। अब अपने पास क्वेश्चन एराइज होता है कि ये नॉर्मलाइज्ड और अननॉर्मलाइज्ड होने का मतलब क्या है, नॉर्मलाइज नहीं होने का मतलब क्या है। तो कोई भी क्वांटम मैकेनिक्स में अगर अपन बात करते हैं तो हम लोग ऑलवेज बात करते हैं कि ये प्रोबेबिलिटी की, नॉर्मलाइजेशन की, पार्टिकल के एग्जिस्टेंस की, एक्सेप्टेंस की। तो मैं इसलिए इन टर्मोलॉजी की आज डिस्कशन कर रहा हूँ कि जैसे हमने फर्स्ट में ये देखा कि साई जो वेव फंक्शन है, साई वेव फंक्शन है जिसको हम लोग ने स्टेट बोला, ठीक है, ये एक्सेप्टेबल है कि नहीं। सबसे फर्स्ट में आप प्रॉब्लम सॉल्व करने जाएंगे तो ये आपको चेक करना होगा। अगर चेक नहीं कर रहे हैं, अगर आपने क्या नाम है कि ऐसे ही प्रॉब्लम उठाया और सॉल्व करना शुरू कर दिया तो आपको जो आंसर हो सकता है कि आपका आंसर मैच कर जाए लेकिन वो प्रॉपर वे नहीं होता है, वैसे आंसर नहीं मैच कर सकता है। 99% चांस है कि नहीं, गलती से मान लो मैच भी कर जाता है तो फिर आपका ये पता चल गया कि आप प्रॉपर वे में वर्क नहीं कर रहे हैं, आप क्या नाम है कि क्वांटम मैकेनिक्स की समझ नहीं रख रहे हैं, आप क्वांटम मैकेनिक्स को लाइटली ले रहे हैं। तो आपको क्या नाम है कि ये चीज़ हमेशा याद रखना है कि कभी भी हम प्रॉब्लम सॉल्व करने चलें तो साई को नॉर्मलाइज्ड करें, नॉर्मलाइज नहीं करेंगे तो फिर आगे का वर्क आपका बेकार जाएगा, आंसर आएगा नहीं, ठीक है। सेकेंड चीज़ हम लोग डिराक की बात कर रहे हैं, डिराक में हम लोगों ने मतलब ये देखा कि हमें स्टेट को सबसे स्टेट जगह डिफाइन कर लिए, तो जिस तरह से हम लोग आपने बीएससी में पढ़े हो तो बीएससी में ये सारी चीज़ें नहीं पढ़े आप, क्या नाम है डिराक मैथमेटिक्स। तो डिराक मैथमेटिक्स में ये है कि हम लोग जो इंटीग्रेशन यूज़ कर रहे थे वही इंटीग्रेशन हमें ये यूज़ करना है कि जो पार्टिकल्स है वो ब्रा और केट मैथमेटिक्स को यूज़ किया जाए। तो ब्रैकेट में जिस तरह से ब्रैकेट था उसी से ब्रैकेट बना हुआ है, तो अपन इसको बोलते हैं केट और इसको बोलते हैं ब्रा, ठीक है। अब ये है कि ब्रा केट में ड्वेलिटी होता है, ड्वेलिटी ऑफ पार्टिकल मतलब पार्टिकल कोई है तो उसमें ड्वेलिटी नेचर होगी, तो हम लोग केट को ब्रा और ब्रा को केट में इंटरचेंज कर सकते हैं जो कि वो उसका क्या नाम है कंपोजिट इक्वेशन होता है। तो अपन x प्लस आई वाई है, जैसे x प्लस वाई को x माइनस आई वाई में अपन चेंज कर देते हैं वैसे a प्लस आई बी को a माइनस आई बी में कर देंगे। तो ये तो आपका इनिशियल स्टेट, फाइनल स्टेट्स, ये सारी चीज़ें हो गई। इनर प्रोडक्ट्स अपन निकालते हैं अब, क्या नाम है ब्रैकेट से को कैसे यूज़ करना है। तो मैं एक बात बता दूं कि ये इनर प्रोडक्ट्स का मतलब ये होता है कि इंटीग्रेशन निकालना, कि आप इनर प्रोडक्ट निकाल रहे हो यानी इंटीग्रेशन निकाल रहे हो। तो अपन कोई भी अगर स्टेट है, मान लो इनिशियल स्टेट है किसी पार्टिकल का और फाइनल स्टेट है और दोनों को वैल्यू अगर वन आ गई तो हम लोग बोलते हैं कि वो पार्टिकल नॉर्मलाइज्ड है, अदरवाइज वो पार्टिकल नॉर्मलाइज्ड नहीं है, ओके। ठीक है, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं केट और ब्रा की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, क्योंकि केट ब्रा एक ऐसा टूल्स है जो कि हमें क्वांटम मैकेनिक्स में किसी भी स्टेट्स की एक्सपेक्टेशन वैल्यू, उसकी एनर्जी का एक्सपेक्टेशन वैल्यू, प्रोबेबिलिटी, उसके क्या नाम है नॉर्मलाइजेशन, ये सारी चीज़ें देखनी हो तो हम लोग इस टूल्स को टूल का यूज़ करते हैं। तो हम लोग सबसे फर्स्ट में पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ केट एंड ब्रा स्टेट्स। आपका जैसा मैंने बोला कि इनिशियल जो स्टेट है, इनिशियल स्टेट इसको अपन रिप्रेजेंट कर रहे हैं इससे फाइनल स्टेट ठीक है। इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है ये देखना जरूरी है, प्रॉपर्टीज ऑफ केट एंड ब्रा स्टेट। इसको हम लोग पढ़ते हैं कि
केट स्टेट एंड ब्रा स्टेट। तो प्रॉपर्टीज ऑफ केट एंड ब्रा स्टेट में सबसे फर्स्ट जो प्रॉपर्टीज होती है वो ये होती है कि एवरी केट हैज कोरस्पॉन्डिंग ब्रा, एवरी केट हैज कोरस्पॉन्डिंग ब्रा, मतलब आपका अगर ये केट आई है तो इससे कोरस्पॉन्डिंग एफ एक ब्रा स्टेट डिफाइन होगा, इसको कोरस्पॉन्डिंग बोलते हैं, कोरस्पॉन्डिंग, ठीक है। तो ये फर्स्ट पॉइंट जो है आपका ये है कि एवरी केट हैज कोरस्पॉन्डिंग ब्रा। सेकेंड पॉइंट है इसके जो स्केलर प्रोडक्ट होंगे, जैसे अपने सेकेंड पॉइंट अगर करें कि अपने पास कोई ये स्टेट है, मान लीजिए आई और एफ की बात कर रहे हैं और इसका कम्प्लेक्स कंजुगेट ले रहे हैं, तो अपन इसको लिखेंगे एफ आई, ठीक है। थर्ड पॉइंट है इट्स नॉर्म इज रियल एंड पॉजिटिव, इट्स नॉर्म इल इज रियल एंड पॉजिटिव, नॉर्म इज रियल एंड पॉजिटिव, मतलब अगर आप इसका नॉर्म लेंगे आई, आई लेते हैं तो अपन वन आएगा, वन एक रियल क्वांटिटी है और पॉजिटिव क्वांटिटी भी है। ठीक है, तो ये तीन चार मैं पहले भी बताया था, इसको मैंने समराइज कर दिया आपको, ये आप लोग नोट डाउन कर लें। नोट डाउन करने के बाद ये अपना जहाँ भी अप्लाई करेंगे तो इन चीज़ों को अपन देखेंगे। अब हम लोग सेकेंड चीज़ अब ये अपन स्टार्ट करते हैं कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं और ऑपरेटर्स किस तरह से अप्लाई डिफाइन किए जाते हैं, अप्लाई किए जाते हैं। ठीक है, क्वांटम मैकेनिक्स में ऑपरेटर का बहुत बड़ा रोल है, तो अपन स्टार्ट करते हैं ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स ऑपरेटर इट इज एन मैथमेटिकल रूल दैट व्हेन अप्लाइड टू ए केट ट्रांसफॉर्म इट इनटू अनदर केट एंड इट इज ए मैथमेटिकल टूल व्हिच इज applied on a ket and it changes ket into another ket another ket and give corresponding eigen values। एग्जाम्पल के लिए मान लो कि आपके पास कोई स्टेट है, साई स्टेट है और कोई ऑपरेटर है, कोई ऑपरेटर ए है ठीक है, ए को अगर साई पे एक्ट करते हो तो ये ए साई देता है, तो
तो इसको ऑपरेटर को इससे डिनोट करते हैं अपन ऑलवेज, तो इसको बोलते हैं ऑपरेटर। ये तो आपका स्टेट है, इसको बोलते हैं आइगन वैल्यूज, और ये स्टेट इनदर केट चेंज कर देता है, तो ये मान लो इनदर स्टेट हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या नाम है कि किसी भी ऑपरेटर को अप्लाई करते हैं। अब मैं एक ऑपरेटर को आप लोग, ऑपरेटर कुछ भी हो सकता है, वो डिफरेंशियल फॉर्म में हो सकता है, वो क्या नाम है किसी अदर फॉर्म में हो सकता है। तो हम लोग एक कोई भी एक ऑपरेटर लेते हैं और उस ऑपरेटर से हम लोग डिफाइन करते हैं चीज़ें को। एक मैं छोटा सा एग्जांपल लेकर के फिर इसकी प्रॉपर्टीज़ पे आता हूँ। तो जैसे मान लो कि आपके पास एक ऑपरेटर है, ये फर्स्ट एग्जांपल, आपको सेकेंड एग्जांपल में देते हैं कि ये मान लो कि ए की वैल्यू जो है वो डी बाई डी एक्स है, ठीक है, और साई जो है वो है ए साइन के एक्स है, ठीक है। तो आपको निकालना है कि ए साई इक्वल टू क्या होगा, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, ए की वैल्यू डी बाई डी एक्स और ये ए साइन के एक्स है, तो अपन डिफरेंशियल फॉर्म है, ए क्या होगा कांस्टेंट टर्म है, तो ए साइन के एक्स का डिफरेंशिएशन लेंगे तो ये कांस्टेंट टर्म है, तो के बाहर आ जाएगा और ये हो जाएगा साइन, सॉरी साइन का हो जाएगा कॉस के एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो आपका आइगन वैल्यू जो हो जाएगा, ये बोलेंगे कि ये आइगन वैल्यूज है। तो आइगन वैल्यूज क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, ये इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब टाइप्स ऑफ ऑपरेटर पढ़ लेते हैं कि टाइप्स ऑफ ऑपरेटर क्या होता है। टाइप्स ऑफ ऑपरेटर, फर्स्ट यूनिटरी ऑपरेटर, ठीक है। यूनिटरी ऑपरेटर मीन्स मान लो कि आपके पास कोई ये आई है टर्म, ये किसी भी ये स्टेट पे आपने अप्लाई किया, तो ये क्या आ जाएगा, इधर वन आ जाएगा और इधर साई आ जाएगा। सेकेंड आपका है लीनियर मोमेंटम ऑपरेटर, पोजीशन ऑपरेटर, पोजीशन मतलब मान लो कोई एक्स है, एस आई पे यूज करते हो तो यहां पर एक्स साई देगा। लीनियर मोमेंटम ऑपरेटर, ठीक है, लीनियर मोमेंटम मतलब पी है, साई पे एक्ट होगा तो ये पी साई देगा।
आपका लप्लासियन ऑपरेटर, मतलब मान लो ये डेल स्क्वायर साई है तो इधर क्या देगा आपको? अब डेल स्क्वायर साई आप यूज़ करके और इधर आप लिख लेंगे कि डेल स्क्वायर की जो भी वैल्यू आएगा और ये साई आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग बहुत सारे टाइप के आ जाएंगे, पॉइजन ऑपरेटर, एनर्जी ऑपरेटर, ये सब सारी चीज़ें ऑपरेटर्स में अलग अलग तरह के होते हैं। अपन लिनियर मोमेंटम ऑपरेटर्स तो बता ही दिए, ठीक है। तो ये इन सारी ऑपरेटर्स को आप लोग यूज़ करोगे, मैं भी आपको अभी यूज़ करके बताऊंगा, क्वेश्चन पे आऊँगा। अभी मेन थ्योरी का पार्ट है, ये थ्योरी है पूरा, तो आप लोग थ्योरी को ये समझें, देखें, इसको नोट डाउन कर लें। ऑपरेटर में एक दो चीज़ और है, जैसे हर्मिशियन ऑपरेटर की बात करें, हर्मिशियन ऑपरेटर, ठीक है। इफ ए इज इक्वल टू इट्स एडजॉइंट ए डैगर इज कॉल्ड हर्मिशियन ऑपरेटर। इफ ए इफ ऑपरेटर ए इज इक्वल टू इट्स इट्स एडजॉइंट इज कॉल्ड हर्मिशियन ऑपरेटर। मतलब ए इक्वल टू ए डैगर अगर है, इसको डैगर पढ़ते हैं, जिसको हर्मिशियन एडजॉइंट बोलते हैं, तो इसको बोलेंगे कि ये ऑपरेटर आपका हर्मिशियन ऑपरेटर है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अपन, साई ए फाई इक्वल टू फाई ए साई। स्क्यू हर्मिशियन ऑपरेटर, स्क्यू हर्मिशियन ऑपरेटर,
इफ ऑपरेटर फॉलोइंग कंडीशन दैट इज बी डैगर इक्वल टू माइनस बी इज कॉल्ड स्क्यू हर्मिशियन ऑपरेटर। ठीक है, तो इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, फाई बी साई माइनस आ जाएगा यहाँ पर साई फाई बी साई स्टार। ठीक है, ये नोट डाउन कर लीजिए, ये अपना हर्मिशियन ऑपरेटर एंड स्क्यू हर्मिशियन, या इसको एंटी हर्मिशियन ऑपरेटर भी बोलते हैं, इसको अपन एंटी हर्मिशियन ऑपरेटर भी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है प्रोजेक्शन ऑपरेटर। प्रोजेक्शन ऑपरेटर प्रोजेक्शन ऑपरेटर लिख लीजिए, इफ पी इज प्रोजेक्शन ऑपरेटर इट्स हर्मिशियन एंड इक्वल टू इफ इट इज हर्मिशियन एंड इक्वल टू इट्स ऑन स्क्वायर इज कॉल्ड प्रोजेक्शन ऑपरेटर ऑपरेटर सेटिस्फाई फॉलोइंग कंडीशन इज कॉल्ड प्रोजेक्शन ऑपरेटर। पी डैगर पी मीन्स ये हर्मिशियन होगा एंड पी स्क्वायर इक्वल टू पी अगर आता है, ये दोनों कंडीशन को अगर सेटिस्फाई करता है, फिर हम लोग बोलते हैं कि वो प्रोजेक्शन ऑपरेटर है। प्रॉपर्टीज ऑफ हर्मिशियन ऑपरेटर देखते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ हर्मिशियन ऑपरेटर, फर्स्ट प्रॉपर्टीज की ए डैगर का डैगर ए होगा और किसी भी मान लीजिए ए ए है इसका डैगर लेंगे तो ये कंजुगेट हो जाएगा इसका और ये ए हो जाएगा ए डैगर।
टू दी पावर एन डैगर, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अपन, ए डैगर टू दी पावर एन। यदि हम लोग ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी का डैगर लेते हैं तो इसको अपन ऐसे सेपरेटली भी लिख सकते हैं, ए डैगर प्लस बी डैगर प्लस सी डैगर प्लस डी डैगर। अगर हम लोग ए बी सी डी, ए बी सी डी का डैगर लेते हैं तो ये आपका होता है डी सी बी ए, सबको इंडिविजुअल भी अपन डैगर में कर सकते हैं। सिक्स, अगर अपन कोई ऑपरेटर के फॉर्म में, मान लीजिए कि ए बी सी डी साई लेते हैं और इसका डैगर, टोटल का डैगर अपन लेते हैं अगर, तो अपन इसको लिख सकते हैं साई डी डैगर सी डैगर बी डैगर ए डैगर। ठीक है, कहीं भी हम लोग जैसे मान लो सेवन में ए ए साई डैगर है तो अपन इसको लिख सकते हैं ए कंजुगेट ए डैगर साई। अगर ए ए साई है डैगर है तो अपन लिख सकते हैं ए कंजुगेट साई ए डैगर। ठीक है, तो ये नोट डाउन कर लीजिए, ये अपनी सारे प्रॉपर्टीज़ होती हैं, और भी सारी होती हैं जहाँ जहाँ हम लोग यूज़ करेंगे वहाँ, मेन ये होती है अपनी एट प्रॉपर्टीज़ जो है वो मेन है, अपने इसी को अप्लाई करते रहना है। ठीक है, अब हम लोग इसमें हर्मिशियन में ही अभी हम लोग एक दो चीज़ें और पढ़ेंगे जो बेसिक्स है बिल्कुल, अभी एप्लीकेशन पार्ट पे नहीं जाए, एक तरह से ये थ्योरी पढ़ रहे हैं आप लोग, इन थ्योरी को अप्लाई भी करना है, तो जब हम लोग अप्लाई करेंगे तो जाके ये क्लियर होगा चीज़ें। जैसे अब इसमें कम्यूटेशन अलजबरा की बात करते हैं, कम्यूटेशन अलजबरा, जैसे मान लीजिए कि आपके पास इफ ए एंड बी आर टू ऑपरेटर्स, ए एंड बी टू ऑपरेटर्स है, अगर ये इनका जो ये कम्यूटेशन का साइन बोलते हैं, इसको बोलते हैं कम्यूटेशन रिलेशन। ठीक है, अगर ए एंड बी को ऐसे लिखते हैं अपन, तो ये लिखते हैं कि ए बी माइनस बी ए, इसकी वैल्यू अगर जीरो आ गई तो बोलते हैं हम लोग कि ये कम्यूटेटिव है, इट इज कम्यूटेटिव। ठीक है, ये भी हो सकता है, इट मे बी कि ए
नॉट इक्वल टू जीरो, तो ये नॉन कम्यूटेटिव होंगे। ठीक है, ये मैथमेटिकल चीज़ें हैं जिसको हमें अप्लाई करना है, अभी आगे चल के भी करना है, यहाँ भी करेंगे। तो एंटी कम्यूटेटिव या नॉन कम्यूटेटिव बोलें, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अपन, नॉट इक्वल टू ज़ीरो है यानी कि ये अपने ए बी प्लस बी ए है। ठीक है, तो इसको नॉन कम्यूटेटिव भी बोलेंगे या एंटी कम्यूटेटिव भी बोलेंगे, एंटी कम्यूटेटिव। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि जैसे कम्यूटेशन रिलेशन में अगर हम लोग अदर और कुछ अप्लाई करना चाहे, मान लीजिए कि हम लोग अप्लाई करना चाहते हैं कि ये सिमेट्रिक है कि सिमेट्रिक नहीं है, डिस्ट्रीब्यूटिव है कि नहीं है, तो हम लोग किस तरह से ट्रीट करें इसको, तो प्रॉपर्टीज ऑफ कम्यूटेशन रिलेशन पढ़ लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ कम्यूटेटर्स, प्रॉपर्टीज ऑफ कम्यूटेटर्स। ठीक है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ते हैं कि ये सिमेट्रिक है कि नहीं है। तो सिमेट्रिक कब होगा, ए एंड बी अगर जीरो हो जाए तो सिमेट्रिक हो जाएगा, एंटी सिमेट्रिक ये बी ए हो जाए तो सिमेट्रिक हो गया। एंटी सिमेट्रिक में ए बी इक्वल टू माइनस बी ए हो तो बोलेंगे कि ये एंटी सिमेट्रिक हो गया। लिनियरिटी अगर चेक करने आपको, तो लिनियर अपन कैसे चेक करेंगे, थर्ड लिनियरिटी ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी तो इसको लिख सकते हैं अपन ए बी प्लस ए सी प्लस ए डी प्लस एन तक जाएगा आपका। ठीक है, हर्मिशियन कंजुगेट, फोर्थ हर्मिशियन कंजुगेट ए बी का डायगर अगर लेते हैं तो बी ए आना चाहिए का डायगर, तो बोलेंगे कि हर्मिशियन कंजुगेट। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। डिस्ट्रीब्यूटिविटी, डिस्ट्रीब्यूटिविटी।
अपने पास है कोई टर्म ए बी सी, तो अपन इसको लिखेंगे ए बी सी प्लस ए बी ए सी बी ए सी, ठीक है। इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जैसे ए बी सी अगर है तो ए बी सी बाहर आ जाएगा, फिर बी ए सी आ जाएगा। इसी तरह से आपके पास अगर मान लो कि ए बी सी है तो अपन इसमें से एक पहले मान लो यही ले लेते हैं ए, तो ये बी सी आ गया प्लस ए सी ये बी आ गया। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखो, मैंने इसलिए यहाँ पे ये लिख दिया कि ए बी बी सी है तो सी लिया तो मैंने इधर ले लिया, बी लिया तो मैंने इस साइड में लिया। यहाँ पर देखो ए बी है तो मैं अगर ए ले रहा हूँ तो यहाँ ले लिया, बी लिया तो मैंने बाहर ले लिया। अगर मैं यहाँ पे बी लेता तो बी मैं कहाँ लेता, यहाँ लेता, ठीक है। ये यहाँ जाता, ये यहाँ जाता। सेम मतलब कि मैथमेटिक्स ऑपरेशन में आपको ध्यान रखना है कि अगर आपने अगर ये चेंज कर दिया तो आपका प्रॉब्लम जो है प्रॉब्लम ही रह जाएगा, वो सॉल्यूशन राइट सॉल्यूशन नहीं दे पाएगा, ठीक है। नेक्स्ट ये 5 नंबर था, ये 6 कम्यूट विथ स्केलर, दैट मीन्स ऑपरेटर ये जो होगा ये स्केलर के साथ कम्यूट कर जाएगा, यानी 0 होगा। सिंपली आप देख सकते हो कि अगर अपन लिखें a, ये स्केलर टर्म है, तो अपन क्या लिखेंगे a a माइनस a, तो ये कैंसिल हो जाएगा तो ये 0 आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो आज के लिए अपन इतना ही रखते हैं कि हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया आज, मैं बता देता हूँ एक बार। हम लोगों ने आज पढ़ लिया स्टेट्स क्या होता है, ऑपरेटर्स क्या होते हैं, थर्ड डिराक मैथमेटिक्स, ठीक है, फोर्थ कम्यूटेशन रिलेशन। तो ये जो है 4 पॉइंट्स पे मैं आज फोकस रहा आप लोगों को, कि ये 4 पॉइंट्स हो का एक तरह से बेसिक चीजें मैंने बताया है। अब इनके बेस पे अब हम लोग क्वांटम मैकेनिक्स स्टार्ट कर सकते हैं कि अपन अब स्टेट्स जैसे मैंने बताया रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हो, तो जो रिप्रेजेंट कहते हैं रिप्रेजेंटेशन का जो तरीका है वो चीज़ें अब अपने को आती है। तो अपन अब सीधे क्या नाम है कि टॉपिक पे जा सकते हैं प्रीवियस के। तो ये अपना जो पूरा लेक्चर है आज का मेरा उसी पे कॉन्सनट्रेट रहा कि हम लोग बेसिक जो टर्मोलॉजी है उसको जब हम यूज़ करने जाएंगे तो वहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। तो ये मैंने आपको आज पूरा कंप्लीट करा दिया। ओके, थैंक यू।